वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे रगड़ा पैटीज, जो कि मुंबई की एक बहुत मशहूर चाट है और इसे खाने के में भी बहुत मजा आता है। बहुत टेस्टी चाट होती है ये, तो इसको बहुत इजी तरीके से बनाया। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसको बनाना। तो इसके लिए इसको हम बनाना आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है, प्लीज उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उस पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने मटर लिए हैं, ये देखिए ये व्हाइट वाले मटर है, इस टाइप के जो मटर मार्केट में मिलते हैं। इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है। अगर ओवरनाइट आपने सोक नहीं किया तो आप इसे 4 से 5 घंटे तक के खुले पानी में इसे भिगो सकते हैं, इसे सोक कर सकते हैं और उसके बाद ये मटर इस तरह से फूल जाएंगे। अब इसमें हम बाकी का सामान डालना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी आपको मटर से डबल रखनी है, यानी कि अगर 1 कप मटर आपने लिया है तो आपको 2 कप पानी इसमें डालना है। तो रगड़ा बनाने के लिए जो हमने मटर लिए हैं उसमें हम सामान डालना शुरू करेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर दैट्स टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, क्यूमन पाउडर। और ये सब सामान डालने के बाद में हम इसको लिड लगा देंगे, इसे कवर कर देंगे और इसे 4 विजिल आने तक गैस पर रखेंगे। और जब 4 विजिल आ जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे। देखिए 4 विजिल आने के बाद में मैंने गैस को ऑफ कर दिया, इसका प्रेशर अपने आप रिलीज होने दिया। प्रेशर कुकर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसका हम ये ढक्कन लगाएंगे। ये देखिए रगड़ा बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना अच्छा रगड़ा बनके तैयार हुआ है। इसमें पानी भी बहुत थोड़ा सा रह गया है और इसी पानी के साथ में हम अब पेटीज को तैयार रगड़ा पेटीज को तैयार करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल गल चुका है अच्छे से। अब हम अपनी पेटीज को तैयार करेंगे। देखिए पेटीज तैयार करने के लिए मैंने आलू लिए हैं, इसको अच्छे से बॉईल करने के बाद में बिल्कुल मैश कर लिया है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है और इसको बिल्कुल ठंडा, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं आलू बॉईल करने के बाद में। अब इसमें हम सामान मिलाएंगे। देखिए नमक डालेंगे, सॉल्ट, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे हम। इन सबको मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कीजिए कि आपके हाथ अच्छे से वॉश हो। देखिए सब चीजें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसकी हम पेटीज बनाना शुरू करेंगे। पेटीज मीन्स आलू की टिक्की, तो हम वो पेटीज बनाएंगे इसकी। उसके लिए हम हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल से। देखिए हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसका आलू का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम। इसकी टिक्की ज्यादा बड़ी नहीं बनती है, बस इसका ऐसे आलू का पोर्शन लेके हम इसको ऐसे गोल शेप दे देंगे टिक्की वाला। ये देखिए इसे हल्का सा हम फ्लैट करेंगे, इसे ज्यादा मोटा हम टिक्की को नहीं रखेंगे। बस ये देखिए एक टिक्की बनके हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बाकी की टिक्की हमें हम ऐसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी टिक्कियां हमने बना ली हैं पेटीज। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। देखिए इसे फ्राई करने के लिए गैस पर हमने तवा रख दिया है। अब इन्हें हम फ्राई करने के लिए करेंगे तो इसलिए ऑयल डालेंगे। देखिए ऑयल को हमने चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है। इसमें ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके टिक्की रखेंगे इन्हें फ्राई करने के लिए। देखिए सारी टिक्की हमने इसमें रख दी है फ्राई होने के लिए। अब जब एक तरफ से पेटीज फ्राई हो जाएगी तो इसे हम पलट देंगे। देखिए टिक्की एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, अब इन्हें हम पलट देंगे। देखिए अभी दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी की पेटीज को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए सारी पेटीज बनके तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें हम सर्व करेंगे। देखिए सर्व करने के लिए एक प्लेट लेंगे। प्लेट लीजिए, डिश लीजिए, सर्विंग डिश जो भी आपको लेना है आप वो लीजिए। उसमें ऐसे पेटीज को हम रख देंगे। इसको स्पून से थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ लेंगे हम। अब इसमें रगड़ा डालेंगे जो कि हमने पहले ही तैयार करके रखा है।
उसके बाद में इसमें दही डालेंगे थोड़ा सा। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें इमली और खजूर की चटनी डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे। इन दोनों चटनी का वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। बाद में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, बस नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि जो रगड़ा हमने तैयार किया था उसमें भी हमने नमक मिलाया था। थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, कटी प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया। और ये देखिए रगड़ा चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत टेस्टी होती है रगड़ा चाट और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। गरम गरम रगड़ा चाट आप स्नैक्स के साथ में खाइए, या ब्रेकफास्ट में खाइए, या अफ्तारी में खाइए। जब भी आपका दिल चाहे आप इसे बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।